ट्रेंड ये देखिए, ये सोनी का एक सेट आया है आज मेरे पास। ये मॉडल नंबर है KDL32W700B। तो ये एंड्रॉयड टीवी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम अभी दिखाएंगे। तो इसका जो पावर, जो डीसी जैक है, ये हम यहीं पे इन करेंगे। और ये इसका स्टैंड बाय लाइट है, एलईडी है, ये पावर नहीं आ रहा है। इसका एडाप्टर जो है ओके है, पावर आ रहा है बट थोड़ी देर में आ रहा है। और स्क्रीन पे भी कुछ नहीं है, ये देखिए स्क्रीन पे कुछ नहीं है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये इंडिकेटर जो है ये नहीं आ रहा है, आ रहा है बट थोड़ा बहुत देर आ रहा है। तो ये हमने डीसी जैक जो है इसको लगा दिया है, फिर भी पावर नहीं आ रहा है। और फ्रेंड टीवी को हमने खोल लिया है, और ये देखिए यहीं पे जो वोल्टेज है, ये देखिए ये 19 वोल्ट है। और इसमें जो है हम पावर को इन कर रहे हैं, और ये देखिए इसमें 19 वोल्ट इन हो गया है। बट इसका जो स्टैंड बाय एलईडी है वो नहीं जल रहा है। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है इसका स्टैंड बाय लाइट है, लाल वाला एलईडी है यहीं पे, और नहीं आ रहा है। तो हम इसका जो वोल्टेज है वो देख लेते हैं। वोल्टेज यहीं पे दो फ्यूज़ दिया हुआ है, तो यहीं पे देखिए ये फ्यूज़ से भी जा रहा है आउट, और ये इससे भी आउट जा रहा है। तो उसका बाद हम इसका जो मदरबोर्ड है उसमें वोल्टेज टेस्ट करेंगे। और फ्रेंड हमने अभी वोल्टेज को कॉइल पे मेजर करेंगे। तो ये देखिए ये जो कॉइल है इसमें 1 वोल्ट प्रेजेंट है, ये जो कॉइल है इसमें 5 वोल्ट प्रेजेंट है, ये जो कॉइल है इसमें भी 5 वोल्ट प्रेजेंट है। और भी हम ये कॉइल में कुछ नहीं दिखा रहा है, इसमें भी कुछ नहीं दिखा रहा है। यहीं पे कॉइल है, पॉइंट 5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है। तो फ्रेंड ये जो सिस्टम है इसमें क्रिस्टल पे 0.7 वोल्ट है। तो इसमें ये जो इधर ये स्टैंड बाय लाइट अभी भी नहीं आया है। तो फ्रेंड अभी हम जो देखते हैं इसका जो 5 वोल्ट ओके है, और 1 वोल्ट ओके है, और बाकी जो वोल्ट है हम देखें। और फ्रेंड हम इसमें जब वोल्ट टेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम हम देखा है यहीं पे जो पीए है लगा है, यहीं पे हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये देखिए यहीं पे शॉर्टिंग नज़र आ रहा है, यहीं पे जो लाइन है ये जो ट्रैक है ये देखिए मीटर पे ये शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। तो फाइनली इसको हम शॉर्ट आउट करके आते हैं बाद में। और फ्रेंड फाइनली जो शॉर्टिंग था यहीं पे
ये देखिए, और शॉर्टिंग देखिए हट गया है शॉर्टिंग, और ये देखिए शॉर्टिंग नहीं है, ये देखिए ये शॉर्टिंग नहीं है। और अभी हम इसको करते हैं पावर ऑन, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमने जो एडाप्टर है इसको इन कर दिया है, और यहीं पे इंडिकेटर जो है ये आके चला गया है। और अभी हम देखते हैं इसका जो वोल्टेज है, यहीं पे जो वोल्टेज हमें नहीं प्राप्त हो रहा था और वोल्टेज हम देख लेते हैं। देखिए यहीं पे 1.17 मतलब 1.2 वोल्ट जो है यहीं पे आ गया है, और हमें यहीं पे एक वोल्टेज नहीं मिल रहा था, वो वोल्टेज है देखिए 3.3 वोल्ट जो अभी मिल गया है, यहीं पे नहीं मिल रहा था वोल्टेज। यहीं पे हम भी देख लेते हैं, यहीं पे 1.5 वोल्ट जो है रैम का सप्लाई है, देखिए ये रैम का सप्लाई 1.5 वोल्ट जो हमें अभी प्राप्त हो रहा है। बाकी जो यहीं पे 3.3 वोल्ट मिल रहा था, यहीं पे ये 1 वोल्ट था ये, और ये 5 वोल्ट था, और ये भी 5 वोल्ट था। हमें सब वोल्ट प्रेजेंट मिल रहा है, और हमें यहीं पे इंडिकेटर जो लाइट है वो दिखा के चला गया। मतलब हम अभी एक बार डिस्प्ले को उठा के देखते हैं डिस्प्ले में क्या है। तो चलते हैं फ्रेंड, ये देखिए शायद हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। यहीं पे जो लाइट है वो दिख गया है लाइट, यहीं पे जो होल है होल से जो लाइट है दिख गया है। तो अभी हम करते हैं इसको, देखते हैं फ्रेंड, ये देखिए HDMI 4 आ गया है स्क्रीन में। और अभी हम इसको फिर से, ये देखिए इंडिकेट जो है ये जल रहा है। तो अभी हम इसको फिर से जो एडाप्टर है उसको बंद करके पावर देंगे। फ्रेंड अकेले जो है ये थोड़ा दिक्कत होता है काम करने में, ये हमने एडाप्टर जो है ये फिर से लगा रहा है। और यहीं पे जो लाइट है ये देखिए ये स्क्रीन में, अभी जो है HDMI जो आ गया है। और यहीं पे जो देखिए ये स्टैंड बाई का जो LED है ये जल रहा है, और यहीं पे हम बटन पे कुछ प्रेस करेंगे। और फ्रेंड देखिए ये हमने TV को ऑन किया है, और ये HDMI दिखा रहा है। और अभी हम इसको करते हैं, वीडियो में और देखिए तो फ्रेंड ये जो है ये सेट ओके हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।